नमस्कार, सीक्रेट मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। क्या भगवान अस्तित्व में है? किस पे भरोसा करें, भगवान या विज्ञान? जरूर देखिए, अगर कोई ईश्वर है तो क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? क्या भगवान के अस्तित्व में होने का कोई सबूत है? यह ऐसे प्रश्न है जो सालों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। यही चर्चा आज भी होती है और यही प्रश्न भविष्य में भी चर्चा का विषय बने रहेंगे। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो लगता है कि भगवान का अस्तित्व है, लेकिन जैसे कि हम इस दुनिया को विज्ञान की नजरों से देखते हैं तो लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो या एरोप्लेन हो या बड़ी बड़ी इमारतें हो, एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है ये। इन सब का आविष्कार अपने आप इत्तेफाक से नहीं हुआ था, बल्कि इन सबको बनाने के पीछे इस धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति यानी हम इंसानों का हाथ है। हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके और कई असफलताओं का सामना करने के बाद इन सफलताओं को हासिल किया है और हम तक इन चीजों को पहुंचाया है। अब देखते हैं उन चीजों को जो हम इंसानों ने नहीं बनाई, बल्कि वह प्रकृति की देन है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, सागर, हवा, पानी, जानवर और हम इंसान खुद। क्या इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण अपने आप इत्तेफाक से हो गया था या इसको बनाने के पीछे किसी बुद्धिमान प्राणी का हाथ था? हम इतनी बड़ी प्रकृति की बात करने से पहले अपने छोटे से लेकिन जटिल शरीर की बात कर लेते हैं। हम इंसानों की बॉडी इतनी परफेक्टली बनी है कि लगता नहीं कि यह एक इत्तेफाक है। हमारा दिल जो ब्लड को पूरी बॉडी में लगातार पंप करता रहता है, हमारा दिमाग जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी आंखें जो इस सुंदर प्रकृति का नज़ारा देख पाती है और एक सेकेंड के 10 हिस्से में 7 से 10 मिलियन कलर्स को देख पाती है। क्या फायदा प्रकृति में उन आवाज़ों का अगर हमारे पास सुनने के लिए कान ही ना होते? क्या फायदा प्रकृति में गंध और सुगंध के होने का अगर हमारे पास सूंघने के लिए नाक ही ना होती? क्या फायदा प्रकृति में तापमान का अगर हम ठंडे और गर्म को महसूस ही न कर पाए? अब सबसे बड़ी बात, क्या फायदा सूर्य की रोशनी का अगर पृथ्वी ही ना हो? या फिर क्या फायदा इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का अगर हमारा ही अस्तित्व ना हो? समझ नहीं आता कि हम प्रकृति के लिए बने हैं या हमारे लिए प्रकृति, या फिर यह सब एक इत्तेफाक है। आप एक बार सोच कर देखिए कि क्या होता अगर हमारा दिल ही ना होता, या क्या होता अगर हमारा दिमाग ही ना होता। यह सिर्फ हम इंसानों के शरीर की बात थी। पृथ्वी पर तो ना जाने कितनी अनगिनत प्रजातियां मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं हम इंसानों की तरह ही प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इस सब को इतने सटीक तरीके से किसने बनाया? क्या यह सब इत्तेफाक से बना है? आज हम इस पृथ्वी पर दूर दूर तक इतनी सुंदर प्रकृति और जीवन को देखते हैं। इसका वजूद बिल्कुल भी ना होता अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी और तेज घूमती या थोड़ी और धीमी घूमती, क्योंकि तेज होने पर आंधी तूफान बढ़ जाते हैं और धीमी घूमने पर दिन के समय का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता और रात के समय का तापमान बहुत कम होता। अगर पृथ्वी सूर्य से थोड़ी और दूर होती तो यह बेहद ठंडी होकर जम जाती, और अगर यह सूर्य से थोड़ी पास होती तो इस पर सब कुछ जल जाता। क्या इस ग्रह का इतने सटीक तरीके से काम करना महज एक इत्तेफाक है? हम हर समय जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? विज्ञान के अनुसार प्रकृति में 4 फोर्सेस मौजूद है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। प्रकृति अपने नियमों को भली भांति सटीक ढंग से निभाते चली आ रही है और अरबों सालों से यह नियम काम करते आ रहे हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले,
क्या यह नियम सिर्फ इत्तेफाक से बने हैं? अगर कॉमन सेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि प्रकृति को किसी डिजाइनर द्वारा इतने सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है और किसी ऑर्गेनाइजर द्वारा इस संपूर्ण यूनिवर्स को मैथमेटिकल ऑर्गेनाइज किया गया है और किसी लॉ मेकर द्वारा इस यूनिवर्स के नियमों को बनाया गया है, जैसे कि ग्रेविटी। अगर कोई डिजाइनर है, ऑर्गेनाइजर है और लॉ मेकर है तो डेफिनेटली कोई क्रिएटर भी होगा। विज्ञान इत्तेफाकों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि विज्ञान तो किसी भी घटना के घटित होने का वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर स्पष्टीकरण करता है। विज्ञान कहता है कि किसी भी घटना के घटित होने के लिए किसी ना किसी कारण का होना आवश्यक है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। तो अब सवाल यह है कि अभी हम जिन इत्तेफाकों की बात कर रहे थे, उनका क्या वैज्ञानिक कारण है? तो सुनिए, अभी विज्ञान अपनी बाल्यावस्था में है और इतने कम समय में ही विज्ञान ने इस यूनिवर्स के कई अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाया है। अभी विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि सभी सवालों के जवाब सटीक ढंग से दे पाए। समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जाएगा, तो हमें इन सवालों के भी जवाब मिलते जाएंगे जो विज्ञान आज नहीं दे पाता। अब सवाल यह आता है कि विज्ञान तो सिर्फ यूनिवर्स के नियमों को बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, ना कि विज्ञान अपने खुद के नियम बताता है, जैसे कि लाइट की स्पीड फिक्स्ड है। विज्ञान इस स्पीड को ना तो तेज कर सकता है और ना ही धीमी कर सकता है। ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। विज्ञान इस नियम को कभी नहीं बदल सकता। अब सवाल यह है कि प्रकृति हमेशा से जिन नियमों का पालन करती आ रही है, वो नियम किसने बनाए? ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। प्रकृति हमेशा से एक ही क्रम में काम करती आ रही है, वह क्रम किसने बनाया? हाँ, मैं मानता हूँ कि विज्ञान एक दिन इन सवालों के जवाब ढूंढ लेगा, लेकिन विज्ञान प्रकृति के नियमों को कभी नहीं बदल पाएगा। अब आते हैं अपने पुराने सवाल पर कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। तो मेरा मानना है कि इस समस्त यूनिवर्स में एक एनर्जी मौजूद है जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। इसी एनर्जी से तारे और ग्रह बने हैं और हम खुद उसी एनर्जी का हिस्सा है, और इस ऊर्जा के अस्तित्व में होने को आप नकार नहीं सकते। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक ऊर्जा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह ऊर्जा अलग अलग रूपों में इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस ऊर्जा के अस्तित्व को नकार सकते हो? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस को भी आप एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।